तो मतलब पूर्ण राम जी थारा तो एकदम लंगोटी यार होता वाला। हाँ बिल्कुल। राम राम दोस्तों, मैं आज एडी जिग्या आउडो हूँ जकी पोस्ट आज थे कई दिनों देख रिया हो, जका हमने शिक्षा जगत रे मैंने छोरा है, ज्यादातर वन स्टेटस देखी वाला जगत मामा रे नाम रो। कई जना कह रिया है कि मैं भी जगत मामा हूँ, इतना रुपया भाई प्राप्त करिया दान, मतलब कहना मतलब एक उपलब्धि के स्कूल रे मायने में पास हुई हो या फिर कोई भी होनार टाबर आज जगह ने भाई रुपया दिया। और अट्ठे भी आज की भीड़ दिख रही है, इनमें भी थान कोई मिल जाए वाला जगह ने हो 200-500 रुपया प्रोत्साहन राशि दी। तो अबे मैं इन्हीं गाँव रे मायने आयो हूँ। तो राम राम साह। राम राम साह। राम राम साह। तो साहब मैं मतलब हुनियो और पोस्ट और स्टेटस देखी जिन्हें मन लागियो क्यों नहीं हुई बांग गाँव में जा रहा हूँ। और वर्ण बाद में जगत मामा के अलावा वर्ण मैं मतलब परिचय जानना चाहूँ तो कुछ बात है जगत बताओ। जगत मामू जी राजौद ग्राम का, जाहिल तहसील नागौर जिले का, छोड़ जाति जाट, पूर्णाराम जी नाम हो बांको। अच्छा। वे जुगो 1964 ईयर मतलब आपके घर परिवार ने त्याग। हाँ। और जो भी जमीन जायदाद बांगे ही जकीन बेच और मतलब स्कूल लांग मायने टाबरान पढ़ने वास्ते खर्च करता। और दो तीन साल वट बांके गांव में भी आता, 15 अगस्त 26 जनवरी का टाबरान सब ने इनाम गिणू करनू, कॉपी किताब पेन पेंसिल रबड़ ए यान का बांटता। और एक बार मांके भी परीक्षा चालती। अच्छा। भी टाइम जगत मामू आया, मैं भी टाइम छठवीं माँ। हाँ। तो सब जत्ता भी परीक्षा में बैठा जगह ने सब ने मतलब दो दो लाडू मिठाई का बांटिया। हाँ। और सब ने जुगो पेन पेंसिल रबड़ भी टाइम में जुगो देर गया। अच्छा। भी बाद में जरा भी आता नहीं तो स्कूल में जगह टाबर नहीं आता, जगह भी स्कूल में आ जाता कि आज जगत मामू आई सुनता ही टोटल है जो कोई स्कूल में एक टाइप जाता। मतलब बांको पढ़ाई के बारे में मायने बहुत ही मतलब दिलो, मतलब जो भी कोई छोरा अनपढ़ जिया उन्होंने फिरता नहीं बन कहता गोना मचरो पढ़ाई पढ़ाई करो भाई, पढ़ाई में सब कुछ है कि मैं आगे अनपढ़ रहे को जो दुख पाऊँ बांको मेन काम हुई हो। और अटू ही कोनी हर एक जिले में पूरे राजस्थान में मतलब मैं घूमता जिया, जोधपुर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, पाली है, जैसलमेर है, सीकर है, झुंझुनू है, टोटल एरिया के मायने में वही काम हो बांगो स्कूल में जाता। और भाणियों और भाणकी के नाम कहता, बच्चिया ने भाणकी और बच्चा ने भाणु, दो ही नाम लिए था वे सब बांग लिए भाणु भाण किया ई वास्ते ही माने सब है जुगो जगत मामे के नाम पुकारता कि आज जगत मामू आयोड़ा है। अच्छा। तो भी कारण है जुगो टाबर है जो स्कूल में मतलब ज्यादा जानता पढ़ने के लिए। और थे उन टाइम कितनी क्लास में पढ़ता? मैं उन टाइम छठी में पढ़ता। अच्छा। स्कूल की होती बता रहे? स्कूल 8-10 दी की है मांगे वहाँ जगह दिख रही है। गवर्नमेंट स्कूल है? गवर्नमेंट स्कूल 8 यू ही भी टाइम। अच्छा। तो उन टाइम में कदे एडो भी मौको हुयो के थान पर्सनल लूं बुलार के भाणिया आटा आज मैं थन गोली खाऊं एडो कोई माहौल बणियो कदे? सीधा स्कूल में आया जग दिन। अच्छा। डायरेक्ट स्कूल में आया? स्कूल में आता सीधा। अच्छा। और इनके अलावा कदे एडो भी हुयो कि मतलब टाबरा ने पर्सनल छोरा यदि कोई बार फिर तो दिखतो तो विन्ने भी बुलार के तो थूट बार क्यों फिड़े लाया था चॉकलेट जा स्कूल में? वो तो मेन काम हो बांको। हाँ। मतलब जो भी बाने टाबर स्कूल बारे दिख तो नहीं। अच्छा। बिना ही कहता रहे बारे नहीं फिरनू स्कूल चाल। हाँ। आज मैं आयो बार चाल तन की गोलियां बिस्कुट जी हूँ। हाँ। स्कूल में चाल बारे नहीं फिरनू कदे जगत मामे की आउन की ठा पड़ जाते ना। हाँ। तो बाद में मत ही आ जा था टाबर ही स्कूल। अच्छा। कुल मिलार पतो चाल जाए तो भाई आज जगत मामो स्कूल में आ रहा है तो टाबर दौड़ राज्य आज मौको पड़ जैसी खूब मते आ जांदा। मैं फौजी साहब साथ ही पढ़ता। अच्छा। अटाया मैं दो सट्टी माँ बिन टाइम मन 100 रुपया दिया जगत मामे। अच्छा। फिर 100 रुपयों थे के मैं तो कहीं जाता बे पेंसिल आ जाता पेन और कहीं करता। अच्छा। तो बिन टाइम में 100 रुपया के तो मायनो घणो होता मायनो घणो ही हूं तो घणो और तो को तो माने कोई 50 साल पहले दिया को नहीं। अच्छा। माने 30 साल होगी कहीं फौजी साहब बती हुई है 30 साल पहले। अच्छा। 80 लगभग। बुजुर्ग आदमी भी है जका वाने लंगोटिया यार है तो चलो मैं वहां ही बात करा और पूछा। तो राम राम साह। राम राम साह। तो मतलब पूर्ण राम जी थारा तो एकदम लंगोटिया यार होता वाला। हां बिल्कुल लंगोटिया कहते मारो तो बड़ा हा। अच्छा। हां पण हूं देख जो थे 67 में नागौर पढ़तो सेठ कृष्ण लाल कांकरिया स्कूल में। अच्छा। 8वीं क्लास में हो। हां बिन टाइम बे बट
नागौर स्कूल में आया स्पेशल वह माने जानता जान के आओ भाणु किया थर पढ़ाई और पूरी स्कूल में है ना कॉपी किताब और पूरी स्कूल में तब भी बच्चा हाबान सब ने दिया टूर्नामेंट हम खाणु जीता मतलब बा को मेन शिक्षा कोई हो जी। अच्छा जीव शिक्षा में नहीं लगी उड़ो के मैं वंचित रह गयो तो कहीं कौन दूजो कोई वंचित कौन नहीं वंचित नहीं रहनु सही थे प्रोत्साहित करता शिक्षा कई बस सब बच्चे बच्ची ने सबको तो मां की तो एक ही मांग है का जाहिल कॉलेज है जकी हां मतलब जाहिल बेबी आवे एर कई आदमा का टीचर है प्रिंसिपल है बेबी आवे अठे बिल्कुल आर जावे एरबा ने भी बेचंदो जेंता मतलब बुलार। अच्छा तो मतलब उन टाइम ने वे भाई मामा जी ये जगह पे लावता तो थे कदे पूछियो कि मामा जी तब पे आज कटो आया बे भामाशा जेंता अपना आप बाने। अच्छा मतलब गांवरा भामाशा वगैरह होता माने हां अच्छा कुल मिलार भामाशा की तरफ वहां का ना रिव्यू आओ तो और जगो भी भामाशा तो रोतो रो जगो रिव्यू आओ तो वो टावरन देवता और प्रोत्साहन करता टावरन ने करोड़ों रुपया बांट दिया था हथौड़ी है और भी बाबा जी चलो मैं मानु बात करूं राम राम सर आपरो कई नाम है मार नाम सोन राम है सर। अच्छा सोन जी तो फिर थारे कदी न कदी मौको मिलियो वाला जगत मामा जी नहीं पढ़ियो सा मैं तो सन 65 में पढ़तो अठे। अच्छा माने किताबा का पैसा दिया हां ए लाडू और बंटिया। अच्छा और उन समय थे कि भी कदी वाणने साथे घर गया या फिर कदी खेलिया एड़ो भी माहौल होयो क्योंकि थे 15 अगस्त 26 जनवरी का बे आता अठे पता सा गोलिया बांटता किताब पेंसिल जिनता शिक्षा के बारे में भी घूमता बे। अच्छा ओनली फॉर वन ने एक ही मन में ही कि भाई शिक्षा सबों पहला शिक्षा सर्वोपरि आई एक ही चीज ही एक चीज ही शिक्षा की टाबरा ने बारे आता तो स्कूल पढ़ो गोला लड़िया मत सरो और शिक्षा के बारे में ही हा और पाड़ा घूमता बिन टाइम में कोई साधन ही को नहीं जब पाड़ा ही जानता सा अब आर गाड़ी मोटर की साधन ही नहीं जो अटू जाइल जानते रहा जाइल आगे डीडवन जानता तो बे पढ़ाई घूमता शिक्षा के बारे में कहता सर। अच्छा थे कितने ताई पढ़िया मैं तो 10वीं फेल उठ लियो सर। अच्छा 10वीं फेल उठ लियो तो भी ई स्कूल में पढ़िया अठ 5वीं थे पढ़ियो बस जाहिल पढ़ियो। अच्छा बिंगवाद में 15 अगस्त का 26 जनवरी का अंता। अच्छा हां हां नौकरी भी करी सर पोस्ट ऑफिस में नौकरी करी हां मैं तो सर्विस नौकरी की करी सीनियर स्कूल के मायने में 6वीं में 10वीं थी पढ़िया बट 15 अगस्त 26 जनवरी का अंता लाडू पता सा जिंदा माने अब आत सा फेल पस में चल गो। अच्छा चलो बहुत बहुत और भाई जी राम राम साहब। राम राम साहब मेरा नाम माणक चंद रेवाड़ है और मैं पहले गया चाह रहा हूँ तो जब जगत मामू एक बार मन की हो बाणिया तू पढ़ जरा हाँ पढ़ ले जरा मैं 1979 में तीसरी क्लास के माँ एडमिशन दिलवायो और मन पढ़ने के लिए बे प्रेरित करियो मैं बीए करी बीकॉम करी और बीएड भी करी और बारे किराना व्यवसाय चलाऊं जगत मामा को ऐसा आशीर्वाद है पूरे गांव का जितना भी लोग पढ़ने वाला है ना बी टाइम में जगत मामू ज़्यादा स्कूल भेजने की कोशिश करता और टूर्नामेंटा में आऊँता और कई बार टूर्नामेंट होती ना हमारे गाँव में जद बुक बे खाणो भी जीता क्यों मतलब खाने की व्यवस्था करता पूरी टीम वास्ते खुद करता पूरी जितनी भी 10 गाँव की टीम आती ना 1983 के माँ टूर्नामेंट हुई ना बिंग के माँ बे लोग खाणो दियो अच्छा बुलवायो और पैदल घूम घूम करके दो राष्ट्र पर्व आपने पूरे भारत में मनाई जाना तो पूरे राजस्थान में बे घूमता हाँ 15 अगस्त और 26 जनवरी ने विशेष कर बच्चों के साथ आता बे। ठीक साहब बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तो था भाई लोगों ने यदि वो वीडियो पसंद आयो वह यदि शिक्षा में जुड़ी हुई और शिक्षा ने आगे बढ़ावनी चाहो तो इन बात माते भी गौर कर जो और आज मैं आयोड़ो हो जाहिल तहसील रे महीने राजोद गांव रे महीने जटे पूर्णाराम जी छोड़ जकारी अटे बैठक राखी हुई है एक श्रद्धांजलि सभा जकी राखी हुई है वन जगह हूँ मैं
और अठवां वीडियो थाने लाइव कवरेज बतायो, तो बहुत बहुत धन्यवाद सा खमा घणी।